electronic machine. Okay, the word computer is derived from the word compute. मतलब जो computer word है, तो ये computer word है. कहाँ से लिया गया है? Compute से लिया गया है. जिसका meaning क्या होता है? Calculation करना. क्या meaning होता है? Calculation. Process the data and
कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। क्या है, क्या करता है ये? कम्युनिकेट करता है आपस में किसको? कंप्यूटर से यूजर को, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड द कीबोर्ड। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में
information data and program, convert the data in a form which the computer can accept. Computer क्या है, computer को क्या करता है, ये जिस form में computer चाहता है उसी form में क्या है data वो accept करता है. Provide this converted data to the computer for further processing. Further processing के लिए data को convert करता है. अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू. सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या बोलते हैं? सीपीयू. सीपीयू ठीक है. सीपीयू कहती है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम मतलब ये क्या कहा जाता है, ये ब्रेन कहा जाता है जिसका कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहा जाता है सीपीयू. सीपीयू को कहा जाता है ठीक है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू इज मेड ऑफ थ्री पार्ट. ये क्या है, थ्री पार्ट में बना है जिसमें एमयू एआईयू और आपकी सीयू. एमयू एमयू फिर आपकी data and the instruction feed to the computer through the input unit are stored in this memory unit. Memory unit में क्या होता है, क्या सारा data क्या होता है, store होता है. अभी जो memory unit है ये MU है. MU क्या हो गई, memory unit ठीक है. ALU primary जो है MUC क्या हुआ,
mathematic logic unit. Okay, ये हो गया CU. CU क्या है आपकी? Control unit. क्या है? Control unit. ठीक है. Operation of the entire computer system. The control unit gets the instruction from the program store in memory unit. मतलब ले जाके memory unit में सारा data जहाँ जो भी information है वो store करता है. मतलब ये पूरा एक computer system है. CPU के ये तीनों क्या है? Parts हैं. CPU को क्या? CPU को computer का brain कहा जाता है बच्चों. फिर यहाँ पे input devices हैं. यहाँ पे output है. Input devices में आपको बता दें keyboard, mouse, scanner, joystick, है ना, etcetera और जो चीजें बताई हैं. फिर हमने किया CU. CU क्या है? Control. मतलब ये आपस में एक सर्कल है, एक साइकिल है, जिससे क्या है, सिस्टम जो है वो काम करता है. आई एफ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट डिवाइस गिव द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब ये क्या करता है? ये आप क्या आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना, एनालाइज करके यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट. यहाँ पे सारा चीजें क्या है? इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिर यहाँ आगे हमें सारी चीजें क्या करती है? आउटपुट. मतलब रिजल्ट जनरेट करके हमें देता है. अब आउटपुट के जो है मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर. इसके एग्जांपल प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर. ठीक है, ये क्या हो गया हमारे आउटपुट. आंसर देता है. मतलब कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद
100% accuracy provide that correct input has been given. ठीक है, वहीं पे इसका disadvantage क्या हो जाएगा, dependency. क्या हो जाएगा, dependency. मतलब ये जो है क्या करता है, ये totally depend किसके ऊपर रहता है, on human being. इसको खुद का कोई mind नहीं होता. ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल सकते हो automation. कंप्यूटर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक क्या होती है, मशीन होता है. ठीक है, वहीं पे आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो नो फील्ड. क्या है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है और ना ही कोई इमोशंस होते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलाइजेबिलिटी. मतलब कंप्यूटर इज अ रियलेबल मशीन. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है long lives. computer are designed to make maintenance easy. मतलब हम इसको easy से maintain करके रख सकते हैं. वहीं पे इसका जो है एक disadvantage हो जाएगा, environment. ठीक है, the operation environment of a computer should be dust free and suitable. मतलब हमें इसको क्या करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अदरवाइज में dust हो गया तो ये खराब हो जाता है. तो आज हमने advantage का कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कर लिया एंड हमने इसका वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कर लिया. आज हमारे ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक जो हम आगे करेंगे इसी पे जो जाएगा वो आप हमारे जाएंगी टाइप्स ऑफ